दोस्तों ये है प्यूडीपाई जिनके चैनल पर अभी के टाइम पे 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। एंड आज से अगर 4-5 साल पहले की बात करें तब भी उनके चैनल पर 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही थे। फ्रॉम 2013 टू 2018 ऑलमोस्ट फॉर 6 इयर्स प्यूडीपाई वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल रहा, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट। उनका चैनल एक टाइम पर यूट्यूब के फास्ट ग्रोइंग चैनल्स में से भी एक था, जिनके चैनल पर एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन होते। प्यूडीपाई तब से यूट्यूब पर वीडियोस बनाते आ रहे हैं जब यूट्यूब पर क्रिएटर्स ना के बराबर थे। एंड अगर स्पेशली गेमिंग की बात करूं तो उसमें कुछ गिने चुने क्रिएटर्स ही थे जो गेमिंग रिलेटेड कंटेंट बनाया करते। एक टाइम पर प्यूडीपाई का यूट्यूब कम्युनिटी में इतना क्रेज था कि ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो अभी के टाइम पे एक पॉपुलर यूट्यूबर है बीस्ट वॉश से लगाकर भुवन बाम तक, इनफैक्ट मिस्टर बीस्ट भी प्यूडीपाई को देखा करता। बट अभी अगर हम एक चीज नोटिस करें तो पिछले 4 साल में प्यूडीपाई ने मिलियन सब्सक्राइबर्स तक गेन नहीं किए। उनका चैनल 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर ही स्टक हो चुका है, जो कि प्यूडीपाई 6 साल तक वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर रह चुका है। तो उनके चैनल पर 4 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते। बट आखिर प्यूडीपाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि जहां उनके दिन के लाखों एंड महीने के 4 से 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे थे, आज की डेट में वो अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स भी लूज कर रहा है। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि जो बंदा एक टाइम पर वर्ल्ड का नंबर 1 यूट्यूबर हुआ करता था आज उसी के चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी गेन नहीं हो पा रहा। एंड इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं दैट व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्यूडीपाई एंड हिज चैनल। So Felix created his first channel with the name of PewDie. Pew means laser and die means death. But unfortunately वो उस चैनल का पासवर्ड भूल जाते। So on 29th April 2010 Felix ने YouTube पर एक और चैनल क्रिएट किया with the name of PewDiePie. And by the way Felix उसका real name. Felix उसके चैनल पर उसकी फर्स्ट वीडियो अपलोड करता है with the title of High Rise Nuke Free For All. But currently उनके चैनल के oldest video published है on October 2010 with the title of Minecraft Multiplayer Fun. अभी अगर देखे तो PewDiePie का majority of content personality based रहता है। But जब उन्होंने अपना चैनल क्रिएट किया था तो उनका हर एक वीडियो गेमिंग से रिलेटेड हुआ करता। He is professionally known as a gamer. PewDiePie का उस टाइम पर फोटोशॉप में भी काफी इंटरेस्ट था, which he had a passion and a large amount of talent. On 2011 he dropped his university college. उनकी फोटोशॉप स्किल्स के चलते उन्होंने इतना मनी अर्न कर लिया था कि वो अपने लिए कंप्यूटर खरीद सके। So उन्होंने अपने लिए कंप्यूटर खरीदा जिसपे उन्होंने आर्टवर्क एंड यूट्यूब दोनों को कंटिन्यू किया। PewDiePie ने अपने चैनल पर एन नंबर ऑफ डिफरेंट गेम्स ट्राई किए रिलेटेड टू एक्शन एंड हॉरर, लाइक माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, एमनीशिया, ब्लैक ऑप्स, क्राइसिस 2 एंड और भी बहुत से गेम। लोग PewDiePie के चैनल पर सिर्फ ना उसके गेम प्लेस देखने आते हैं, साथ ही साथ उनकी अनबिलीवेबल कॉमेडी एंड वीडियोस में उनके फनी ह्यूमर, जिसके चलते लोग उनकी पर्सनालिटी से भी काफी ज्यादा अटैच हो गए। 2010 एंड 11 का यूट्यूब सीन अभी के कंपैरिजन में काफी डिफरेंट हुआ करता था। उस टाइम पर ज्यादातर लोग यूट्यूब पर व्लॉगिंग एंड कॉमेडी स्केच वीडियोस बनाया करते। गेमिंग उस टाइम पर एग्जिस्ट करती थी बट उतनी नहीं जितनी अभी किया करती है। यूट्यूब पर अपनी वीडियोस में लोगों को काफी अच्छी तरह से एंटरटेन कर लेता एंड जिसके चलते उन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया यूट्यूब पे वीडियोस बनाने। उनके यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के 1.5 ईयर में उन्होंने 25,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए एंड बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स इन 2012 एंड 13। उनकी अनबिलीवेबल कॉमेडी एंड क्रेजी रिएक्शन के चलते जनवरी 2012 उन्होंने 100K सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए। ये बात आज से ठीक 12 साल पहले की है एंड उस टाइम पर यूट्यूब पर 100K सब्सक्राइबर्स गेन करना अभी के टाइम पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने से भी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। जस्ट विद इन 6 मंथ PewDiePie ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए एंड 1 साल बाद जुलाई 2013 PewDiePie ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने के सिर्फ 6 महीने बाद PewDiePie ने इसके जस्ट डबल सब्सक्राइबर्स गेन किए। गेन ओवर 20 मिलियन सब्सक्राइबर एंड बिकेम द मोस्ट सब्सक्राइब चैनल ऑन YouTube। उस टाइम पर लोग ये मानने लग गए थे दैट YouTube गेमिंग इज इक्वल्स टू PewDiePie। देखते ही देखते PewDiePie का चैनल 30, 40, इवन 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर गया एंड बाय द ईयर ऑफ 2018 PewDiePie हेल्ड द टाइटल ऑफ मोस्ट सब्सक्राइब चैनल ऑन YouTube फॉर 6 ईयर। बट उसी टाइम इंडिया से एक और चैनल विद द नेम ऑफ टी सीरीज जो कि डे बाय डे इनसेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था एंड इसके कुछ ही टाइम में वो PewDiePie को कॉम्पिटेट करने लगा। जस्ट विद इन 1 ईयर टी सीरीज ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करके PewDiePie को ओवरटेक करने ही वाला था एंड यहाँ से YouTube के सबसे बड़े बैटल की शुरुआत हुई, PewDiePie वर्सेस टी सीरीज। ऑन 6th अक्टूबर 2018 PewDiePie ने एक डिस्ट्रैक्ट अपलोड किया विद द टाइटल ऑफ बिच लज़ानिया। इस वीडियो को लेकर हर जगह बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा था जिसके चलते और भी पॉपुलर क्रिएटर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, लाइक लोगन पॉल, KSI, मिस्टर बीस्ट एंड और भी बहुत से क्रिएटर। देखते ही देखते PewDiePie के सब्सक्राइबर काउंट बहुत ही तेजी से ग्रो होने लगे बट इस सब्सक्राइबर वॉर में टी सीरीज PewDiePie से आगे निकल गया, जिसके बाद फिलिक्स ने अपनी तरफ से इस कॉम्पिटिशन को एंड किया एंड ये PewDiePie वर्सेस टी सीरीज वाला बैटल इतना पॉपुलर हुआ कि इसमें बहुत से मीम्स बने, बहुत से क्रिएटर्स ने PewDiePie को सपोर्ट किया एंड सब टू PewDiePie करके एडवर्टाइज एंड होल्डिंग लगवा, जिससे PewDiePie का चैनल 66 मिलियन से 94 मिलियन पर पहुंच गया। दैट मींस PewDiePie 150K पर डे एंड 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स मंथली गेन कर रहा था। फॉर श्योर PewDiePie ये सब्सक्राइबर वॉर हार गया बट इस बैटल के बाद वो और भी बेटर पोजीशन पे आ गया। अब अगर नोटिस करें तो सिर्फ 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही बचे थे टू बीइंग द फर्स्ट एवर यूट्यूब पर्सनालिटी टू हिट 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इस सब के 5 महीने बाद PewDiePie ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। उस
टाइम पर प्यूडीपाई पूरे वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पर था, बट लेस देन वन ईयर प्यूडीपाई ने अनाउंस किया कि वो यूट्यूब से रिटायर हो रहे हैं और वो उतना फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं करेंगे जितना पहले किया करते थे। इस फैक्ट को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करने के जस्ट विद इन वन ईयर प्यूडीपाई यूट्यूब से रिटायर हो जाएगा। आई थिंक प्यूडीपाई की इतनी ग्रोथ उसके और टी सीरीज के बीच हुई सब्सक्राइबर वॉर की वजह से हुई थी। दैट मींस जो लोगों ने प्यूडीपाई को टॉप पर लाने के लिए सब्सक्राइब किया था उसमें से बहुत से लोग उनके कॉन्टेंट में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वे बस प्यूडीपाई को इस सब्सक्राइबर वॉर में जिताना चाहते थे। दैट्स व्हाई हो सकता है उनके व्यूज उनके सब्सक्राइबर काउंट के कंपेयर में ड्रास्टिकली गिरने लगे। अगर हम मिस्टर बीस्ट से कंपेयर करें तो वो अभी के टाइम पे वर्ल्ड का नंबर वन यूट्यूबर है, बट उसके सब्सक्राइबर काउंट एंड कंटेंट को कंपेयर करें तो वो डे बाय डे अपने कंटेंट को इंप्रूव किए जा रहे हैं। 2020 एंड 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने के जस्ट 3 महीने बाद प्यूडीपाई ने अपनी 10 साल की डेली अपलोड स्ट्राइक को ब्रेक किया एंड ही टेक अ 1 month ब्रेक, जिसके बाद वो बहुत जल्द जापान मूव हो गया एंड ही जस्ट स्टॉप केयरिंग अबाउट स्टेइंग ऑन टॉप। एंड नाउ प्यूडीपाई यूट्यूब को उतना सीरियसली नहीं ले रहे, वो यूट्यूब से सेमी रिटायर हो चुके हैं, उतना फ्रीक्वेंटली वीडियोस भी अपलोड नहीं करते। ऐसा लगता है प्यूडीपाई को यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के अगेंस्ट मोटिवेशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनका मेजोरिटी ऑफ कंटेंट पर्सनालिटी बेस्ड रहता है, लाइक मीम्स रिव्यूज, ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज एंड और भी बहुत से पर्सनालिटी बेस्ड कंटेंट। ऐसा लगता है गेमिंग करना उन्होंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया है, गेमिंग से रिलेटेड बहुत कम वीडियोस ही अपलोड होती है एंड जिस वजह से लोगों ने प्यूडीपाई को सब्सक्राइब किया था गेमिंग, वही प्यूडीपाई ने करना बंद कर दिया एंड एट द सेम टाइम वो अभी के ऑडियंस के अकॉर्डिंग कंटेंट भी अपलोड नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई उन्हें न्यू ऑडियंस भी नहीं मिल पा रहे। ही जस्ट अपलोडिंग ब्लॉग्स, रैंडम स्टफ फॉर हिज एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड व्यूअर्स। बहुत कम लोग ही बचे हैं जो उनके वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं। प्यूडीपाई के वीडियोस में तुम्हें उतने एफर्ट्स भी नहीं दिखेंगे जितने एक 111 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पर दिखने चाहिए, जिसकी वजह से उनके चैनल पर 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो है बट अगर व्यूज की बात करें तो सिर्फ 2 से 3 मिलियन। दैट्स व्हाई उनका चैनल 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर स्टक हो चुका एंड नाउ ही हैज अ फैमिली एंड लिविंग अ ग्रेट लाइफ। बाय द वे तुम्हारा प्यूडीपाई को लेकर क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन पर एक वीडियो शो रहा होगा, मैं तुमसे वहीं पर मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।